कोलकाता के चितरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट के दूसरे अहाते का इफ्तिताह पीएम मोदी ने वर्चुअली इफ्तिताह किया। ₹530 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अहाता मशरकी और नॉर्थ ईस्ट को कैंसर रोगियों का होगा इलाज। पीएम की सिक्योरिटी में चूक को सुप्रीम कोर्ट ने माना बेहद संगीन। यात्रा से जुड़े दस्तावेज महफूज रखने की हिदायत चंडीगढ़ की डीजीपी। एनआईए अफसर बनाया गया नोडल ऑफिस। पीएम मोदी की हिफाजत में लापरवाही का मामला वजारत दाखिला का बड़ा एक्शन। वजारत ने एसएसपी बठिंडा को भेजा नोटिस। पीएम मोदी की सिक्योरिटी में चूक पर 27 साबिक आईपीएस अफसरान ने सदर जमहूरियत रामनाथ कोविंद को लिखा खत। पता जमहूरियत के लिए बड़ा खतरा। वजारत दाखिला में 3 रुकनी कमेटी की तश्कील। पीएम की हिफाजत में चूक पर नवजोत सिंह सिद्धू की सियासत। कहा पीएम सिर्फ बीजेपी के नहीं सबके हैं। क्या सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ पंजाब पुलिस की। सिद्धू ने कहा कि आईबी सेंट्रल एजेंसियां जिम्मेदार नहीं। जब सड़क पर जाने का प्लान ही नहीं था तो कैसे गए। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में हिफाजती दस्तों को बड़ी कामयाबी। तसादुम में 3 दहशतगर्द मारे गए। हथियार और गोला बारूद बरामद। कोरोना के बीच 5 रियासतों में इंतखाब की तैयारी। दोनों डोज वालों को ही पोलिंग बूथ में एंट्री देने की तैयारी। कमीशन ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट्स की मीटिंग में चर्चा। नॉर्थ ईस्ट रेलवे को 3 नई ट्रेन की सौगात। मरकजी रेल वजीर अश्विनी वैष्णव ने ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। पेंगोंग झील पर चीन के पुल बनाए जाने पर हिंदुस्तान की पैनी नजर। 15 लोकेशन के नाम बदलने पर हिंदुस्तान ने कहा अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का टूट हिस्सा। जम्मू कश्मीर में हो रही ताजा बर्फबारी से सयाहत के सनत गुलजार। गांधरबल में बर्फबारी के बाद सैलानियों का आना शुरू। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में शुरू हुआ वीर गाथा प्रोजेक्ट। बच्चों को जंग के बेहतर कारगर्दगी के बारे में बताएगा ये प्रोजेक्ट। मगरबी बंगाल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड इम्तहान नहीं होंगे। मुलतवी अपने शेड्यूल के हिसाब से होंगे इम्तहान। मुल्क ने कोरोना की जंग में हासिल किया नया मकाम। मुल्क में 149 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डोज लगे। कोरोना को देखते हुए दिल्ली में नई गाइडलाइंस। गैर जरूरी सामान वाले बाजारों पर ऑड इवन फॉर्मूला नाफिस। दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। पंद्रह से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन भी तेज रफ्तार से जारी। अब तक 1,68,00,000 से ज्यादा बच्चों को लग चुकी वैक्सीन की डोज। अमेरिका में बढ़ रहे कोरोना इन्फेक्शन के बावजूद न्यूयॉर्क शहर में खुले रहेंगे स्कूल। न्यूयॉर्क के मेयर ने कहा स्कूलों का लगातार चालू रखना उनकी तरजीह। व्हाइट हाउस के कोरोना रिस्पांस टीम के कोऑर्डिनेटर जेफ जिन्स का बयान का अमेरिका में स्कूल खुले रखने चाहिए। बैनुल अक्वामी बाजार में एक बार फिर गिरी रुपए की कीमत। 4 पैसे की आई गिरावट। अब $1 के बदले में देने होंगे ₹74.42। सोने चांदी के बाजार में भी दिखी मंदी। सोने के दाम ₹284 प्रति 10 ग्राम की आई गिरावट। चांदी के दाम में भी आई ₹1,292 प्रति किलो की गिरावट।
जोहान्सबर्ग टेस्ट में टीम इंडिया की करारी हार। अफ्रीका ने रिकॉर्ड टारगेट हासिल कर रची तारीख। कप्तान डीन एल्गर रहे मैन ऑफ द मैच। न्यूजीलैंड में होने वाले आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। मिताली राज करेंगी कप्तानी। बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अपनी नई फिल्म चकदा एक्सप्रेस का टीजर किया शेयर। झूलन गोस्वामी के किरदार में आएंगी नजर। बॉलीवुड अदाकार कार्तिक आर्यन के फैंस का वीडियो हुआ वायरल। अपने शरीर पर कार्तिक का टैटू बनाकर कार्तिक से मिलने पहुंचे।